नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आमला, भाजपा ने की उपेक्षा तो चल पड़े कांग्रेस के साथ, बोले मानेकर भाजपा में प्रजातंत्र खतरे में। दिल्ली में बैठे दो आदमी, आरएसएस के सारे पर चल रहा है पार्टी। आमला की राजनीति का चक्र बैतूल से होता है संचालित। रामू टेकाम ने दाखिल किया पर्चा, नामांकन सभा में उमड़ा भारी जनसैलाब। असली नकली आदिवासी का फिर मंच से गरजाया मुद्दा। आमला में आगामी लोकसभा निर्वाचन वर्ष 2019 के लिए मतदान की तारीख करीब आते ही बैतूल जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक दलों में भी सरगर्मी बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस खेमों में भगवत के सुर भी सर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि भाजपा ने त्रुप का इक्का फेंक कर कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे के करीबी परिजन की भाजपा में शामिल कर अपनी पकड़ मजबूत की थी। चंद घंटों बाद ही कांग्रेस ने विस्फोट कर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में सर्वाधिक मतों से लगातार दो बार भाजपा खेमे से आमला विधायक रह चुके पूर्व विधायक चेतराम मानेकर की कांग्रेस में ताजपोशी कर समीकरण बिगाड़ दिया। अब देखना यह होगा कि बीते लंबे अरसे से बैतूल जिले में काबिज भाजपा सांसद की कुर्सी को क्या कांग्रेस हिला पाएगी इस बार, या फिर बीते विधानसभा चुनाव में जिले की बैतूल, घोड़ा डोंगरी, भैंस देही, मुलताई विधानसभा सीट पर मिली भारी भरकम जीत से उत्साहित एवं आमला हार पर कड़ी मेहनत पर कांग्रेस इस बार भाजपा का गढ़ फतेह करने का दम भर रही है। बहरहाल ऊंट किस करवट बैठेगा जिसका अभी करना होगा इंतजार। मानेकर ने खोली चुप्पी, किया तीखा प्रहार। कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी रामू टेकाम की नामांकन सभा में पहले तो पूर्व भाजपा विधायक चेतराम मानेकर की ताजपोशी प्रदेश कांग्रेस कैबिनेट मंत्रियों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर की गई। बाद में मानेकर ने सार्वजनिक मंच से भाजपा पर निशाना साध सरकार के कार्यकाल में प्रजातंत्र खतरे में होने की बात कही। वहीं दिल्ली में बैठे दो आदमी द्वारा आरएसएस के इशारे पर पार्टी चलाने की बात भी कही। इधर जिले की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए मानेकर ने कहा कि आमला भाजपा की राजनीति का चक्र भी बैतूल से ही चलता है। उन्होंने नकली आदिवासी सांसद का लोहना दे इस बार असली आदिवासी रामू टेकाम को भारी मतों से विजयी बनाने आमजन से अपील की है। सेवा दल ने भी खोला मोर्चा, कार्यकर्ताओं ने की जनसंपर्क की शुरुआत। बता दें, इस बार कांग्रेस की नजर बहरहाल में बैतूल सीट निकालने पर है, जिसके लिए कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने बैठक कर विशेष रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। उधर आदिवासी वोट बैंक रतेड़ा चुटकी गांव से कांग्रेस ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। यानी पिछली हुई गलती पर पूरी तरह कांग्रेस की नजर है। देखना ये होगा क्या बदलेगा समीकरण या फिर भाजपा दोहराएगी इतिहास, रहेगा इंतजार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 28 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हैं और उनकी जो जनविरोधी नीति के कारण आमला का विकास पूरा ठप पड़ गया है। इसलिए जो आमला के आम लोग हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति है, जनविरोधी नीति है, उसके खिलाफ लड़ाई आम जन के पक्ष में लड़ेंगे। और यहाँ से हमारे जो रामू टेकाम युवा 32 साल के एलएलएम किए हुए जो युवा छात्र नेता बोलने के लिए कांग्रेस में निकलती है, उसको हम लोग भारी बहुमतों के जरिए जिताने के लिए आज हमारे आमला के प्रभारी अरुण गोटी जी, बोलने के प्रभारी शांतिलाल तातेड़ जी और हमारे जो यहाँ जितने वरिष्ठ नेता आमला के, सबके साथ हम लोग गाँव गाँव घूम रहे हैं और कांग्रेस को जिताने के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरि प्रसाद गोहे की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।